हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम लोगों के घर में अब नए नए पैरट्स आ गए हैं, और सबसे पहला जो क्वेश्चन ये होता है कि अगर हमारा पैरट बाहर है या फिर हम केज में भी रखें, तो उनको हैंड टेम कैसे करें, यानी कि अगर हम उनके पास में हाथ लेके जाएँ तो वो हमें काटे नहीं। देखो, ये अब ये नया नया आया है तो ये मुझे काटने की कोशिश करता है, लेकिन डराता है, एक्चुअली काटता नहीं है, क्योंकि ये इसको मैंने हैंड टेम कर लिया है और इसको मेरे हाथ से बिल्कुल भी डर नहीं लगता है, ये देखो। लेकिन ये अपने बचाव के लिए अटैक ज़रूर करते हैं दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप पैरट को हैंड टेम कर सकते हैं। अभी देवा को मेरे घर आए 15 दिन हुए हैं, और तो जब ये हमारे यहाँ पर आया था तो ये शायद 1 महीने से भी कम का था। तो इसको बिल्कुल भी उसी वक्त हम लोगों ने हाथ लगाया, उसी वक्त जब आपका पैरेट आपके घर में आता है तभी आपको उससे डरना नहीं है, क्योंकि वो तो अटैक करेगा, वो तो आपके ऊपर जैसे ही आप काट ऐसे करोगे ना तो ये आपको काटेगा। तो इसी वक्त अगर आप डर गए, अगर आपका पैरेट छोटा है तो उसकी बाइट में बहुत ज़्यादा ताकत नहीं होती है, लेकिन बड़ा होता है तो थोड़ी बाइट में ताकत होती है। तो इसके लिए आप अपने हाथ में ग्लव्स पहन सकते हैं। शिवा जब मेरे पास आया था तो शिवा 3 महीने का था, 2.5 से 3 महीने का था, तो उसकी बाइट काफ़ी तेज़ थी, तो वो हमें काट लेता था शुरू शुरू में, तो बहुत दर्द होता था। लेकिन अगर उसी वक्त हम लोगों ने पैरेट को हाथ नहीं लगाया तो फिर आप समझिए कि जैसे जैसे बड़ा होगा आप बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा पाएंगे उसे, क्योंकि उसे बचने की आदत हो जाएगी और वो आपके हाथ से डरेगा, आपको आप उससे डरेंगे और वो आपको डराएगा। तो अगर आपका पैरेट बड़ा है तो आपको उसे ग्लव्स पहन लें, आप कोई भी जैसे कि जो स्कूटर पे पहनने वाले ग्लव्स होते हैं कॉटन के, वो ग्लव्स पहन लें तो उसे थोड़ा चोट कम लगेगी। तो उनसे आप उसको टच करें, टच करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अपने हाथ से खाना खिलाना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप इनको दे रहे हैं तो ऐसी कटोरी में ना रखें, आप उस जैसे चने की दाल भी खिला रहे हैं, क्योंकि बाकी तो चीज़ें हम सिरिंज से खिलाते हैं, अगर हैंड फीड फार्मूला होता है उसको हम तो उससे खिलाते हैं, लेकिन जब आप चम्मच से खिला रहे हैं तब भी आप अपने हाथ को उसके पास में फिराने की कोशिश करें, ऐसे सिर पर हाथ लेके जाएं या फिर उसके सामने ऐसे हाथ रखें। एकदम से हाथ लगाएंगे तो वो काटने की कोशिश करेगा, और ये इसके सामने भी मैं एकदम से हाथ लेके जाती हूँ तो ये काटने की कोशिश करता है मुझे, और लेकिन मैं कटवा लेती हूँ, क्योंकि अभी ये काटेगा तो इसका डर जो है ना आपके हाथ से ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आपके पैरेट को आपके हाथ की आदत लग जाएगी। अब शिवा, अब जैसे इससे पहले आप देख रहे होंगे कि ये मुझे किस तरह से काट रहा था, अटैक कर रहा था, लेकिन मैंने अपना हाथ इसके आगे रख दिया तो ये मुझे नहीं काटेगा, और ये धीरे धीरे काटता है मुझे, ये इसका लाड़ होता है। और अगर आपको लगता है कि तेज़ बाइट कर रहा है तो आप उसको रोकेंगे, आप बोलेंगे कुछ नो नो, तो ये सुनते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ज़ोर से काटेगा ना तो आप बोलेंगे नो नो गंदी बात, तो सुनेगा। तो इस तरह से आप अपने पैरेट को हैंड टेम कर सकते हैं। तो आप अपने हाथ में खाना रखिए, अपने हाथ से खाना इनको ऐसे खिलाइए, जैसे आजकल मैंगो आ रहा है, मैंगो के एक स्लाइस ले लीजिए और इसको ऐसे करके खिलाइए। तरबूज है, तरबूज को अपने हाथ से खिलाइए, चने की दाल है भिगोई हुई, चने की दाल को खिलाइए। तो इस तरह से अगर अपने पैरेट को आप खिलाएंगे अपने हाथों से तो उसका डर आपके हाथ से ख़त्म हो जाएगा और ये आसानी से हैंड टेम हो जाएगा। अभी देवा काफ़ी छोटा है तो हाथ पर आना भी इसने नहीं सीखा है, अभी मैं इसके आगे हाथ रखती हूँ तो ये नहीं आता है, लेकिन जल्दी ही ये ट्रेंड हो जाएगा और हाथ पर भी आना शुरू कर देगा। तो उसके भी मैं वीडियो बनाऊंगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगली वीडियो में क्या देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।